नमस्कार दोस्तों, जैन स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा राजस्थान की नई भर्तियों को लेकर एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं। कौन कौन सी विज्ञप्ति कब आएगी इसके बारे में दोस्तों बता दूं, राजस्थान में अभी उपेंद्र यादव ने आज ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बड़ी संख्या में छात्रों के साथ धरना भी दिया है और विज्ञप्ति जारी करवाने को लेकर मांग भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से की है। दोस्तों बता दूँ साथ साथ में, ये आज आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हो, उपेंद्र यादव का ट्वीट कर रखा है जिसमें उन्होंने लिख रखा है पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग को लेकर आज कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है और उन्होंने ये भी कहा है कि अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट और लेवल टू के प्रोविजनल तथा स्पोर्ट्स का परिणाम और सभी रिक्त पदों पर सूची जारी करवाने के लिए और LTRT 2020 JR और वन रक्षक तथा फायरमैन भर्ती के प्रोविजनल परिणाम जारी करवाने के लिए उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और आग्रह भी किया है कि जल्द से जल्द प्रोविजनल लिस्ट और साथ साथ में पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करें। दोस्तों बता दूं उन्होंने ये भी कहा है कि आचार संहिता से में प्रोविजनल एवं रिक्त पदों पर सूची जारी हो जाएगी और किसी प्रकार का आचार संहिता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।